एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए मैथ क्लासेस में। जैसे कि लास्ट वीडियोस में हम चैप्टर 3 कर रहे थे और एक्सरसाइज 3.1 के 5th क्वेश्चन हम कर चुके थे। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। 6th में क्या कहता है, दो मैट्रिक्स दी हुई है हमारे पास, दोनों इक्वल है, तो वैल्यू जो वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड डब्ल्यू, उनकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, जैसे कि कल किया था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कोई भी मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो हमारे पास क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इसका मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल मतलब जो जिस पोजिशन पे है वो उस पोजिशन के एलिमेंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एक्स है, और यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का क्या एलिमेंट 3, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। कोई भी मैट्रिक्स इक्वल होगी तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्या आएगा, 3x माइनस के y इज इक्वल टू 2, फिर 2x प्लस z इज इक्वल टू 4, और 3y माइनस के w इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड 3 और फोर्थ। फर्स्ट से तो हमारी x की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो नेक्स्ट निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकंड में क्या है, एक्स और वाई दो वेरिएबल है और एक्स की वैल्यू हमारे पास है, तो इसमें पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 × 3, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो एक्स की जगह पे 3 पुट कर देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा 9 माइनस के वाई इज इक्वल टू 2, 9 को उस साइड लेके चले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू माइनस के 9, दिस इम्प्लाइज माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 7, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 7, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। नेक्स्ट निकालते हैं z, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास क्या, x तो हमारे पास है तो इसमें पुट कर देंगे, z की वैल्यू भी निकल जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, z इज इक्वल टू 4, 6 प्लस z इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से z इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 4 माइनस के 6, दिस इम्प्लाई z इज इक्वल टू माइनस के 2, तो क्या x की वैल्यू तो 3, y की वैल्यू 7, z की वैल्यू माइनस 2, निकालनी है x y z w, तो w की वैल्यू निकालते हैं किससे, फ्रॉम इक्वेशन 4 से, तो क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन 4th, 3 y की वैल्यू 7 आ चुकी है, इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा 3 × 7 माइनस के w इज इक्वल टू 7, और 3 × 7 21 माइनस w इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस के w इज इक्वल टू 7 माइनस के 21, उसे ले जाएंगे तो 7 माइनस के 21, तो यहाँ से क्या है डब्ल्यू इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो निकालना क्या था, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, तो एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 7, जेड की वैल्यू माइनस 2 और डब्ल्यू की वैल्यू 14। ठीक है, ये था हमारा 6 सम। नेक्स्ट हम करते हैं 7 सम। तो इसमें भी क्या दिया हुआ है कि दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, तो वैल्यू निकालनी है हमें वेरिएबल्स, फाइंड क्या निकालना है, एक्स वाई जेड एंड यू, जैसे उसमें था एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो यहाँ पे डब्ल्यू की जगह भी वेरिएबल क्या है यू, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। सेम वैसा ही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, तो एक्स की वैल्यू क्या है माइनस 3। नेक्स्ट एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस के 7, तो यहाँ से क्या आया x की वैल्यू क्या है माइनस 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे तो माइनस 3 प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस के 7, तो यहाँ से करेंगे x माइनस 3, माइनस 3 को साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 7 प्लस 3, तो यहाँ से क्या आया 2y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 7 प्लस 3 माइनस के 4। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2 माइनस के 2, तो x की वैल्यू माइनस 3, y की वैल्यू माइनस 2। नेक्स्ट निकालते हैं हम z की वैल्यू, तो यहाँ से z माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो क्या आएगा z इज इक्वल टू, यहाँ पे तो z अकेला ही है तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 4, तो z की वैल्यू क्या आई 4, तो हमारे पास 3 वेरिएबल आ गए, x इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 2, z इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आएगा y, तो y निकालते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 4u माइनस, जो ये है सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट किसके इक्वल होगा 2u के, तो इज इक्वल टू 2u, तो क्या करेंगे u वाले एक साइड और बाकी को उस साइड ले जाएंगे, तो 4u माइनस के 2u इज इक्वल टू 6, इस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से 2u इज इक्वल टू
सिक्स, तो दिस इम्प्लाइज यू इज इक्वल टू 6/2, 3। तो यानी कि क्या क्या निकाला था, एक्स वाई जेड यू, तो चार वेरिएबल आ गया, एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू -2, जेड की वैल्यू 4 और यू की वैल्यू 3। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए, कोई भी स्टेटमेंट आए, बस क्या करना, अगर एलिमेंट, अगर कोई भी मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है कि सेम सोल्व करना सबको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था 7th, दो क्वेश्चन रह चुके हैं, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, इसमें भी यही है जैसा कि लास्ट में था, अगर गिवन दो मैट्रिक्स इक्वल है तो हमें क्या निकालना है, फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है और ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है। सेम इसमें भी ऐसा ही करना है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनके भी इक्वल होंगे। यहाँ से देखो, जो इस पोजिशन पे, इस पोजिशन पे जीरो है, मतलब ये दोनों तो इक्वल है। तो अभी हम क्या करना है कि जो इस वाला फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है वो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 3x+4। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, एक्स को इस एक्स वाली एक साइड और बाकी को एक साइड ले जाएंगे। तो क्या होगा, एक्स माइनस के 3x इज इक्वल टू 4-10। -3 को एक्स इस साइड लेके आए और -10 को इस साइड लेके चले गए। तो यहाँ से क्या बचा, 2x इज इक्वल टू -6। तो माइनस से माइनस कैंसिल, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 3। हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू 3। दो वेरिएबल थे एक्स एंड वाई, एक्स आ चुका है तो वाई की वैल्यू निकालते हैं। वाई के लिए क्या करेंगे, या तो ये वाला कंपेयर कर लो या फिर ये कंपेयर कर लो, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ से निकलते हैं y² + 2y = 3। तो दिस इम्प्लाइज y² + 2y - 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाएंगे, कैसे बनाते हैं कि इन दोनों के प्रोडक्ट आए और इन दो नंबर ऐसे लेने जिनकी प्रोडक्ट तो -3 आए और जिनका सम आए 2। जैसे कि हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ते हैं कि जो कोफिशियंट यहाँ पे होता है इसका और इसकी प्रोडक्ट और जो बीच वाला है वाई वाला कोफिशियंट है उन दोनों का सम। तो ऐसे दो नंबर लेने जिनकी प्रोडक्ट तो -3 आए और जिनका सम 2 आए। तो हम ले लेते हैं y² + 3y - y - 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि -3y और 3-1 की प्रोडक्ट हुई -3 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y इन दोनों में से y कॉमन, तो क्या बचेगा, y + 3 और यहाँ से -1 कॉमन, तो -1 y + 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों में से y + 3 कॉमन, y + 3, तो क्या बचा, यहाँ पे y और यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज y की, या तो y + 3 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या y - 1 इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से y, अगर y + 3 0 है तो y की वैल्यू -3 और यहाँ से y की वैल्यू 1। तो हमारे पास दो वैल्यू है, y = -3 और y = 1, ठीक है। अब हम इससे देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है, क्या निकालते हैं, y² x की वैल्यू 3 आ चुकी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं x = 3। क्योंकि y के लिए हमारे पास दो कंडीशन बनी है तो दोनों के लिए सोल्व करके देखेंगे, जो दोनों में दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी वो वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे y² - 5 = -4। तो यहाँ से क्या आएगा, y² - 5y + 4 = 0। यानी कि ऐसे नंबर जिनकी प्रोडक्ट तो +4 आए और उन दोनों का सम करें तो -5 आए। तो क्या बचेगा, -1 और -4। तो y² - y - 4y + y = 0। तो यहाँ से क्या है, y कॉमन, तो y - 1 और इसमें से और इसमें से, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए तो -4 बार ले लेते हैं, -4y - 1 = 0। तो इन दोनों में से y - 1 कॉमन, y - 1 और यहाँ से y - 4 = 0। तो दो नंबर है जिनकी प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब या तो y - 1 0 होगा या फिर y - 4 = 0 होगा। तो यहाँ से देखो, y = 1 और यहाँ से y = 4। यहाँ से y की दो वैल्यू आई 1 और 4, यहाँ से आई -3 और 1। और देखो, जो दोनों में कॉमन है वो वाली वैल्यू कंसिडर करनी है हमें, क्योंकि दोनों हमें क्या लेना है कि ऐसे नंबर जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों में क्या, y = 1, यहाँ पे भी y = 1 है, यहाँ पे भी y = 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू होगी जो दोनों में एक सेम है वो लेनी है, तो y = 1। तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हुई, 1। और x की हम पहले निकाल चुके थे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, x = 3 and y = 1। क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू लेनी थी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। अगर हम y की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती। कि अगर देखो, यहाँ पे मान लो y की वैल्यू 4 ली हमने,
ठीक है। अगर वाई इज इक्वल टू फोर लिया, इस इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई करता है क्योंकि ये तो इससे निकली है, तो इसको देखते हैं। देखो वाई स्क्वेयर प्लस टू वाई किसके इक्वल आना चाहिए, थ्री के, तो वाई की वैल्यू फोर रखते हैं तो कितना, फोर सिक्स तीन प्लस एट, ठीक है 24 नॉट इक्वल टू थ्री। तो हमें वाई की वैल्यू वो कंसिडर करनी है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और जो इससे बनी है इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू हमें वन लेनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन था एट, लास्ट क्वेश्चन रह चुका, वो हम करते हैं नेक्स्ट, लास्ट है नाइन सब, इस एक्सरसाइज का लास्ट हम करते हैं सोल्यूशन है। जैसे पहले था ना कि दो दो कोई भी मैट्रिक्स थी अगर वो इक्वल है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, सेम यहाँ पे भी ऐसे है, तो वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड और वेरिएबल क्या ए बी की, ठीक है। तो फर्स्ट से क्या है, एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, फर्स्ट है एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, तो फर्स्ट से क्या एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। सेकेंड से यहाँ से देखो ये वेरिएबल इसके इक्वल होगा, तो जेड प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स, तो यहाँ से जेड इज इक्वल टू सिक्स माइनस के फोर इज इक्वल टू टू, तो यहाँ से क्या है जेड इज इक्वल टू टू। तो हमारे पास दो वेरिएबल आ चुके हैं एक्स और जेड, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और जेड इज इक्वल टू टू, ठीक है दो वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट हमें निकालनी है, एक्स आ गया जेड, तो वाई की वैल्यू और ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखो टू वाई माइनस के सेवन इज इक्वल टू दिस, तो क्या होगा टू वाई माइनस के सेवन इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस के टू, तो इसको इससे लेंगे तो टू वाई माइनस के थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस टू, और ये माइनस का तो उस साइड जाके प्लस का सेवन, तो यहाँ से क्या होगा माइनस के वाई इज इक्वल टू फाइव, तो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू माइनस के फाइव, तो वाई की वैल्यू क्या आई माइनस के फाइव, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है एक्स वाई एक्स जेड और वाई की, तो हम नेक्स्ट निकालते हैं ए बी सी, क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल चार पांच वेरिएबल एक्स वाई जेड ए और बी, तो यहाँ से ये तो इसके साथ कंपेयर कर लो तो भी ये वैल्यू आएगी, या फिर यह करो ए माइनस बी इज इक्वल टू दिस इस थर्ड के, क्योंकि ये क्या सेकंड और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है और यहाँ से सेकंड और सेकंड कॉलम का एलिमेंट माइनस थ्री है, तो कहेगा ए माइनस के बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस वन, तो दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू माइनस टू, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई माइनस के टू, ठीक है। फिर क्या वैल्यू निकालनी है बी बी के लिए, या तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लो या इसके इसके साथ सेम वैल्यू आएगी, तो यहाँ से थ्री बी इज इक्वल टू माइनस के ट्वेंटी वन, तो बी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस के सेवन, तो बी की वैल्यू क्या आई माइनस के सेवन, ठीक है। एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी निकल चुके हैं, अब क्या वेरिएबल है सी, सी और निकालते हैं, सिक्स वेरिएबल गिवन थे एक्स वाई जेड ए बी सी, तो एक्स वाई जेड ए बी सी आ चुका, सी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, तो क्या होगा जेड प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जेड इसके इक्वल है, तो यहाँ से क्या होगा टू सी इज इक्वल टू माइनस के जेड, और टू सी इज इक्वल टू माइनस जेड, जेड की वैल्यू हमारे पास आ चुके थे टू, तो यहाँ से पुट करेंगे माइनस के टू, तो c इज इक्वल टू माइनस टू बाई टू, तो यहाँ से माइनस वन, तो c की वैल्यू क्या आई माइनस के वन। हमें क्या निकालना था, ये निकालना था जितने भी वेरिएबल थे x y z a b c, तो सबकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1, यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है और इसका बेसिक भी हम कर चुके हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मैसेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोज में हम स्टार्ट करेंगे 3.2 और उसके बेसिक्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।